नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम लोग RO ARO 2018 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 अप्रैल को, उसके बारे में बात करेंगे और 95 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, और GS फर्स्ट पेपर में जो आपके टॉपिक आते हैं वो 9 टॉपिक आते हैं, ठीक है। 140 प्रश्न होंगे। अब आपको करना क्या है, सामान्य विज्ञान जो आपको पढ़नी है, ल्यूसेंट प्लस घटनाचक्र को पढ़नी है, ठीक है। भारतीय इतिहास घटनाचक्र प्लस बुक कोई भी SK पांडे ले सकते हैं, और या तो आप KC श्रीवास्तव ले सकते हैं, या तो नहीं हो सके तो किसी भी कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, उससे पढ़ लीजिए। राज्य व्यवस्था के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना डीप पूछता नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग वाणी से ही पढ़ लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 95 डेज़ हैं, और इसमें अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उतने पूछे नहीं जाते, ठीक है। तो आप लोग घटनाचक्र तो को कम से कम कंप्लीट कर ही लीजिए। घटनाचक्र की जो इकोनॉमी वाली बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। विश्व भूगोल के लिए आप लोग वाणी पढ़ें और प्लस घटनाचक्र। मैं RO ARO के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और समसामयिकी के लिए आप लोग तीन पत्रिकाएं आती हैं, घटनाचक्र की आती है और परीक्षा मंथन की आती है और क्रॉनिकल की आती है, पतली वाली। एक मोटी वाली आती है UPSC के लिए, लेकिन आपको पतली वाली पढ़नी है। और सामान्य बौद्धिक क्षमता कुछ क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के, तो वो आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ स्पेशल बताने की ज़रूरत नहीं है। और 8वां टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश विशेष पुराने प्रश्न से आप पढ़ सकते हैं। जितने भी आए हुए यूपी के क्वेश्चन हैं आप लोग उनको जरूर से जरूर देख लीजिए। और दूसरी चीज़, जनसंख्या नगरीकरण के लिए पुराने प्रश्न और जनगणना का कुछ दो चार पेजेस में जो है मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है, मैंने बना वीडियो बना के डाल रखा है, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। बहुत कम समय में जनसंख्या नगरीकरण के प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पेपर जो होता है आपका हिंदी का होता है, 60 प्रश्न आते हैं इसमें, और हिंदी के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है। आप देखिए, एक सोच के देखिए कि जो प्रश्न हिंदी में बहुत ज़्यादा टफ आते हैं वो किसी को नहीं आते, उसमें तुक्के ही लगते हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता और कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तो कम से कम जो आते हुए क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस रिपीट होते हैं क्वेश्चन, या जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई एग्जाम पूछ लेता है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग घटनाचक्र की एक हिंदी की आती है अपर PCS के लिए, तो उसमें RO ARO लोअर और अपर PCS तीनों का दिया होता है, तो आप लोग उसको ले सकते हैं, या तो आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं, ठीक है। लोअर RO ARO के लिए आती है, तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में जो हिंदी के पूछे गए होते हैं वो आपके उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई इसकी, ठीक है। अब देखते हैं कि 95 डेज़ में आपको करना क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है, कितने कितने दिन बांट के आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात, हिंदी। हिंदी देखिए 60 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको 2 घंटे प्रतिदिन परीक्षा तक, 90 दिनों तक आपको 2 घंटे डेली पढ़ना है। कोई भी बुक भी मैंने बता दी है, उसको भी पढ़ना है, ठीक है, और 2 घंटे आपको देने ही देने हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इतिहास। इतिहास में आप, ये बुक का ब्यौरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड इतिहास, इतिहास को आप 10 दिन में ख़त्म करना है, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आपको ओवरव्यू लेते हुए, जैसे जो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आपको उसको देखते जाना है, या तो कि कहीं किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाएं तो आप लोग उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। 10 दिन में आपको कंप्लीट करना है, 6 घंटे लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। और ऐसे ही राज्य व्यवस्था को 10 दिन में आपको ख़त्म करना है, वाणी से ख़त्म कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी 10 दिन में, ठीक है। और भूगोल को भी 10 दिन में 6 घंटे, और साइंस को 10 दिन में 6 घंटे, ठीक है। करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात रही, आप लोग 2 घंटे प्रतिदिन आप लोग देखना है, ठीक है, 2 घंटे प्रतिदिन और 90 दिनों तक। करंट अफेयर्स को आपको हल्के में नहीं लेना है, करंट अफेयर्स अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, मकान में कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए मुझे छत पे आके बनाना पड़ रहा है, इसलिए बैकग्राउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, लेकिन आवाज़ क्लियर रहेगी। आप लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, आवाज़ में और बाकी सारी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ, बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की, 2 घंटे प्रतिदिन आपको 90 दिनों तक आपको बिल्कुल करंट अफेयर्स को बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। 4 पोर्शन पे आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। साइंस का पोर्शन 6 घंटे आपको डेली पढ़ना है, 10 दिनों में आपको ख़त्म कर देनी है। 40 दिन आपके, सोचिए आपके 40 दिन ये ख़त्म हो गए, ठीक है। बचे आपके पास 90 दिन, 95, सॉरी आपके पास बचे 55 दिन, ठीक है। अब 55 में से 55 डेज, ठीक है, 40 दिन, 40 दिन तो ये चले गए आपके बुक पढ़ने में, बुक या जहाँ से भी नोट से कहीं से भी पढ़ते हैं आप लोग, तो वो आपके 40 दिन चले गए। अब बचे 55 दिन, 55 डेज, उसमें से 40 दिन निकाल लीजिए पूरी की पूरी घटना चक्र सभी सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटी हुई, इकोनॉमी हुई, ज्योग्राफी हुई, तो इन सभी की घटना चक्र को आपको लास्ट के 40 दिनों में पढ़ना है। लास्ट के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले से पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा भूलने की प्रवृत्ति भी रहती है, तो जब एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे जाके तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। ये एक बात हो गई, 40 40 80 दिन हो गए, बच्चे 15 दिन, 15 दिन में आपको केवल रिवीजन करना है, केवल रिवीजन, ठीक है। और लोगों को लग रहा होगा कि 10 घंटे का तो ये टाइम टेबल बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक सीधी सी बात है, जो लोग बढ़िया से रगड़ कर मेहनत करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, जो लोग बहाने बनाते हैं, अपने प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपने किसी खेत में, किसी खेत का मतलब यह है कि आपने जो भी समय आपने जिस चीज़ में लगाया है उसी का रिजल्ट आएगा। आपने अगर 10 घंटे पढ़ाई में लगाए हैं तो उसी का रिज़ल्ट होगा कि आपका नाम जो प्रारंभिक परीक्षा 2018 वाली होगी, ठीक है, RO AR O की, 17 का विज्ञापन है, 18 में एग्ज़ाम होगा, तो 18 वाली वैकेंसी में आपका एक नाम होगा, आपका रोल नंबर पाया जाएगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं मेहनत करते हैं तो वो रोल नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और एक सोचने वाली बात है, 10 घंटे आराम से पढ़ाई हो सकती है, आप कुछ भी नहीं, सारे फ्रेंडशिप और मोबाइल, फेसबुक, मीडिया, सारी चीज़ों से, यूट्यूब भी चलाइए तो अपने काम के लिए चलाइए, अगर नहीं भी हो सके तो मत चलाइए, जो आपको लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो करिए। जो लोग नए हैं वो ये उनके लिए है, पुराने लोग तो बाकी सारी चीज़ें जानते ही हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से लग जाइए। और आप सोच के देखिए, अगर समय, ये समय अगर 95 डेज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती आपका सिलेक्शन होने से। सिलेक्शन तभी होगा जब आप पहली परीक्षा जो होंगे तो उसको पास करेंगे। आप सोच के देखिए, मेंस तभी तो देंगे ना जब आप प्रारंभिक परीक्षा में पास होंगे। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन बिल्कुल ना चाहते हुए भी, कभी भी देखिए, चाहना कभी नहीं होता है कि भाई हमारा मन लगे हाँ पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मन मार के पढ़ना पड़ेगा, सारे फ़ोन वोन स्विच ऑफ करके करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स या कुछ भी आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के लिए आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब, मेरा ही नहीं किसी का भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई करनी ही होगी किसी भी तरीके से। और नया साल आने वाला है 1-2 दिन में, तो नए साल में आपको एक संकल्प लेना है कि ये 2018 की परीक्षा में एक सीट आपको जरूर से जरूर लेनी है, ठीक है, जरूर से जरूर लेनी है। और ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदार रहिए और ईमानदारी से आपको 10 घंटे मेहनत डेली करनी है। इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। और आप सोच के देखिए कि जो जो समय आप जिस चीज़ में लगाते हैं, जैसे मैंने एक बात बोली थी ना कि आपने अगर किसी खेत में गन्ना बोया है तो गन्ना ही उगेगा, कभी उसमें धान, गेहूं, चावल नहीं उगने वाले। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल था, कहने का मतलब यह है आप जहां समय लगाएंगे, जिस चीज़ में लगाएंगे, आप बात करने में लगाएंगे उसका रिजल्ट आएगा, आप अगर पढ़ाई में लगाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप केवल एक काम करिए, 95 डेज तक आप बिल्कुल दुनिया को भूल जाइए, कौन क्या है, कहाँ कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और 95 डेज़ की स्ट्रेटजी दोस्तों बिल्कुल आपको बना के चलनी पड़ेगी। एक एक दिन आपको बिल्कुल आपके पढ़ाई वाली टेबल के ऊपर 95 डेज़
लिखे होने चाहिए, और एक एक दिन का ब्यौरा कि आज हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ईमानदारी से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए, कम से कम वहाँ ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों की गलत नहीं होने चाहिए, और आप GS में अच्छा खासा उठा सकते हैं। हिंदी देखिए, अगर आपके 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो भी बहुत आप अच्छी स्टेज में रहेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके आदित्य वाली बुक से सही हो जाएंगे अगर आप आदित्य को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, और घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के हिंदी के क्वेश्चन जो बुक आती है आप लोग उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, और अच्छे से जो भी टाइम टेबल है उसको आप फॉलो करिए, और 95 डेज़ का जो प्लान है उसको आप कवर अप करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।